खाना तो भी ये देखो अंदर से मांस निकल गया, ये देखो ये घुटना देखो कितना दर्द होता है। और अमन मुजम्मिल जहाँ खेल रहे हैं, अमन आपको उस्ताद बुला कर मेरे पढ़ने जाओ। हाँ जी जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैर से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्त रखे, फरमाए बीमार से महफूज रहे। कि आज का व्लॉग करते शुरू, तो वीडियो शुरू करने से मेरी तमाम बहन भाई छोटे से चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो आज हम मिलकर समाए और मैं और सोनिया मिलकर वीडियो बना, क्योंकि रात को ना मेरी अम्मी ना घिर गई थी, वो उसको अम्मी घिर गई थी, चोट लग गई है, दवाई लेने जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, तो पट्टी पट्टी वगैरह रखेंगे। तो दिन को रात को ना सोने आप ही को पता था कि उसको चोट लगी, हम तो सारे सोए रहते, मैं तो कुछ पता भी अभी जाते हैं, सुबह दवाई ली थी लेकिन हाँ। अभी भी सही नहीं है, अभी सही दुबारा, दुबारा कहते चेक कराते हैं, दवाई लेना इंजेक्शन की लगाएंगे, डॉक्टर आता है शाम को, शाम को थोड़ी देर पहले, अभी शाम को इंजेक्शन लगवाना है और ना पट्टी सट्टी रखवाना है, फिर अभी तो दस दिन या चार पाँच दिन लगेंगे ऐसे इस तरह। तो आज जो मिस्त्री काम कर रहा है, ये देखिए बैर पीछे के ये प्लस्तर हो गया है, यहाँ तक ये प्लस्तर हो गया है और ये प्लस्तर भी हो गया है, आज के दिन में यहाँ तक ऊपर साइड बची है, क्योंकि सूख जाएगी तो शायद ये बनाएंगे, तो ये प्लस्तर मुकम्मल हो गया है, साइड बन रही है, अभी छुट्टी कर गई है, 5 बज गए तो छुट्टी कर गई है। हाँ बहुत अच्छा प्लास्टर किया, पोड़े का जो जैसे डिजाइन आस है वैसे पोड़े बनेगी यहाँ से। हाँ ये सुपर बनेगी, अंदर वाला काम रहते थोड़ा सा, प्लास्टर अंदर भी है हुआ है लेकिन वो नीचे जो है ना वो रोड़ा 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 टूट कर बनाएंगे। और अमन मुजम्मिल जहाँ खेल रहे हैं, अमन आपको उस्ताद बुला कर मेरे पढ़ने जाओ। हाँ जाओ जाओ, शाबाश जाओ जाओ, इधर खेल रहे हैं बच्चे मुजम्मिल और अहमद, इधर खेल रहे हैं, कोई दरख्त लगा रहे हैं, शरी है ये तो, ये शीशम का दरख्त है, जो जड़ है ये जोड़ है, जड़ है खराब हो जाएगी, सूख जाएगी। एक यहाँ पर आम है, यहाँ पर तो नहीं है, ये नहीं होते दरख्तों के नीचे, दरख्त होते हैं। जाओ आप पढ़ने जाओ, पढ़ना मेरी उस्ताद जल्दी जाए चला जाता है, जाओ वो लोटा उठा के ले आओ, जमेल उधर जाओ, लोटा उठा के ले आओ, जल्दी जाओ। ओके जाओ जाओ जाओ, भागो 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 भागो। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह से हमारा ना स्कूल में दिन बहुत अच्छा गुजरा है, माशाल्लाह से अलम, ये देखिए यहाँ पे रेत पड़ी हुई है माशाल्लाह से, जमेल की माशाल्लाह छोटी सी रेत पड़ी हुई है, तो घर में सब ना वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं पहले बनाती हूँ जाके, तो बाकी की फिर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे जानवर भी खड़े हुए हैं माशाल्लाह से, जानवर बहुत 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 गर्मी लग रही है जानवर, मुझे लगता है पानी भी नहीं पिया होगा, क्या पता, अभी दादा को पिलाएंगे। अंदर चलती हूँ, बाकी की वीडियो आप लोग से दादी में शेयर करेंगे। तभी ना मैं आलू काट रही हूँ, दादी माँ की तबीयत ख़राब है, वीडियो है ना इसलिए। अच्छा तो आप करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, हम समावे बना लेगी सरस भी, समावे और मैं और सब बिल का बना लेंगे, हम की आज तो पता कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है ना, काम हो जाती है। जानवर घास वगैरह डाला है, अभी इनको गंदम का दलिया डालना है, ये भूसा लेके आए हैं मुझे, तो अभी इसको इनको गंदम का दलिया डालना है, क्योंकि घास इतना नहीं है, ख़त्म हो गई गर्मी की वजह से, दूसरे घास को दे रहा है, ज्वार का घास जो हमने बोया है उसको दे रहा है। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम, ये देखा मैं तो ये देखो अंदर से मांस निकल गया, ये देखो ये घुटना देखो कितना सूजा हुआ है, पट्टी रखी हुई अंदर से, हालात सट के ना पट्टा चाड़ खड़ा है, वो देखो धप लगा, कितनी दफा मैं आपको मैंने कहा है कि ख्याल से उठा करो, ध्यान क्या करो अपना, बेटा समझाते हैं कि ख्याल क्या करो, मैं तो अंदर वहां के शाम को नहीं, चलो मम्मी का मैं बहुत ख्याल रखती, फिर भी पता रात को क्या हो गया था, से धक लगा, सोने उठी है, सोने को साल मारी में हुआ ये दे जाना, गैस चाहिए से एक पट्टा चाड़ी, रात को ना तकरीबन 4 बजे के बाद ना, तो ये अजान से पहले ना, तो ये अम्मी उठी है तो गिरी है ना, तो उसके बाद फिर मैं तो सोई नहीं, अम्मी तो वैसे भी इतनी दर्द था ना, तो गैस सिलेंडर लेकर आई हूँ,
तो वो सेक लगा लगा के ना यहाँ पे सेकती रही हूँ घोड़ा ना यहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि घुटने के ऊपर चोट लगी है ना इस वजह से यहाँ पे इतना, पहले इसको दर्द था इसके इलाज करवा रहे थे, अब ये भी इधर भी चोट लगी, थोड़ी चोट लगी है ना देखो कैसे हो गया कन्नी लगी है। चलो अम्मी ये जो हालत है ना घुटने के ऊपर वो हम जगह दिखा तो नहीं सकती आप अंदर है, तो ये जो जगह है ना आप लोग देख कर रह रहे जगह इतना चोट ज्यादा लगी है, पता भी नहीं चला मुझे बता देते अम्मी की मुझे पता भी नहीं चला मैं कैसे गिरी हूँ, चक्कर आए हैं पता क्या हुआ है, कम से कम पता देख तो देख के तो चलता है आगे ना, नहीं आती सारी जिंदगी पहले भी तो यहाँ पे पत्नी रात कैसे गिर गई है, तो ये घुटना जो है ना काफी ज्यादा सूजा हुआ है, ये देखो कितना ज्यादा लग रहा है ना सूजा हुआ, तो अभी जा रहे हैं रात को पट्टी वगैरह की थी और जो अभी अम्बू जी गए थे सुबह गोलियां वगैरह ले आए हैं दर्द के लिए, दुआ हाँ तो वो ना खाई है तो अभी कुछ आराम हुआ है, तो दिन को सोई है वरना रात को तो सोई नहीं है, तो डॉक्टर असल में जो प्राइवेट डॉक्टर है ना वो हमारे यहाँ जिले में इधर शहर में शाम को आते हैं, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं लेकर मम्मी को, चलो मम्मी चले फिर कपड़े चेंज नहीं, कपड़े कैसे चेंज करोगे ये तो दर्द है ना, चलो कुछ नहीं होता ठीक है, तो हाँ ठीक है आ जाओ चलो कुछ नहीं होता, चलो मम्मी उठाओ ध्यान से जाना बैठोगी कैसे बाइक पर, चलो मम्मी बैठो दर्द होता है पंखा बंद किया हुआ है ना अभी इसलिए पट्टी करवा के आ गए हैं, पट्टी करा के वापस आ गए हैं, बहुत ज्यादा चोट लगी है ना इतनी ज्यादा दर्द है इतनी कितने ज्यादा दर्द है घोड़े का दर्द, तो खुद अपना ख्याल रखती नहीं देखती नहीं, हाँ सोनिया उठी है मेरा ख्याल किया है ना कोई ना करें आई बाद में मैं तो उठ गया हूं ना बाद में उठे ना, हां मैं सोना होती ना पता नहीं क्या काफी देर बाद में सोया था इसलिए तो नींद आ गई थोड़ी, सुबह का टाइम होने वाला था नाश्ता पकाया सुबह का बाला में नाश्ता पकाया थी सुने ने किया है कुछ बच्चे घर में मैं होनी रोटी नहीं पका सकती होनी रोटी पकाई थी सुने रोटी तो वो बना रही है आप ही बाकी का काम सारा कर दिया खाना बना रही है रोटी रोटी सुबह के नाश्ते के लिए अभी तक नहीं कर सकती हम उठ के चल भी नहीं सकती नहीं कुछ नहीं कर सकती अभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी इसको इतना हाथ कुछ नहीं करना रकम छूट सी का रकम जो दर्द है दर्द है ना निकाल सकती गाय का दूध अच्छा अच्छा फायदा हो जाना लिहाज छोड़े नहीं गाय का दूध गाय का दूध भी उसका बच्चा पी गया है अम्मी निकालती थी ना किसी को नहीं दे रही थी दूध सुबह ने हमें इतना तंग किया है नदीम और मुझे कुछ भी नहीं उन्होंने चाय बनाने दी चाय के लिए भी नहीं निकालने दिया हाँ। असल में ये निकाल दी देखा तो दूध भी कहलाता है ढंगा नहीं मैंने मारा था नदीम गया ढंगा मारा मैं परेशान हो गई रात को मैंने कहा है कमी अब मेरे लिए बच्चे में और तो कोई नहीं है इनको अल्लाह पाक सलामत रखे मेरी अम्मी को तो अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे मैं इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा बस आप सब ने दुआ करनी है बस ठीक हो जाए मेरी अम्मी ना